नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक बार फिर से एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बड़ी बात कही है। आप अपने स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है, बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। और उसके आगे उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को कोट किया है, क्योंकि ये बातें मुंशी प्रेमचंद की कही गई हैं। उसके नीचे पप्पू यादव बड़ी बात लिखते हैं और कहते हैं कि अगर ईमान की बात कहने में दूसरों की तरह मैं भी डर जाता तो 80 दिनों से आज जेल में कैद नहीं होता। आपको पता है कि पप्पू यादव जेल में हैं, उन्हें 32 साल पुराने मामले का हवाला देकर जेल में रखा गया है। इससे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था, कुछ दिनों पहले की बात है, जब हमने आपको ये खबर दिखाई भी थी। उस ट्वीट में पप्पू यादव ने यह लिखा था कि गुनाह का पता नहीं, लेकिन फिर भी 60 दिनों से जेल की सजा काट रहा हूं। लगातार ये आरोप सरकार पर लगा रहे हैं पप्पू यादव, बिहार पुलिस पर लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही इस बात को कह रहे हैं कि आखिर उनका गुनाह क्या है, किस गुनाह के बूते पर उन्हें पुलिस ने अंदर रखा हुआ है, जेल में रखा हुआ है। और उसी को एक बार फिर से इंडिकेट करते हुए, उसी को दर्शाते हुए पप्पू यादव ने ये ट्वीट किया है और किसी दूसरे की बात कही है। अब वो दूसरा कौन है ये तो वही जाने, लेकिन लिखते हैं कि अगर दूसरों की तरह मैं भी डर जाता ईमान की बात करने से तो आज 80 दिन हो गए पप्पू यादव को जेल में बंद, लेकिन वो कैदी की तरह नहीं रह रहे होते। इसलिए वो अपनी बात को, अपनी वेदना को जाहिर कर रहे हैं, अपनी पीड़ा को जाहिर कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें पप्पू यादव के समर्थक न सिर्फ राजधानी पटना में बल्कि बिहार के तमाम जिलों में, जहां भी उनके समर्थक है, जहां भी जाप के कार्यकर्ता हैं, उनकी रिहाई को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अब ऐसे में पप्पू यादव भी रह रहकर बीच बीच में ट्वीट करते हैं और अपनी वेदना को जाहिर करते हैं, अपनी पीड़ा को जाहिर करते हैं, अपनी शिकायत करते हैं, और राजनैतिक कटाक्ष भी इसी ट्वीट के माध्यम से वो किया करते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने ये ट्वीट किया है, आप एक बार फिर से अपनी स्क्रीन पर उनके लिखे इस बात को देखिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि 80 दिनों से जेल की सजा नहीं काट रहा होता अगर मैं भी ईमान की बात करने से दूसरों की तरह डर जाता। तो लगातार पप्पू यादव की रिहाई की मांग जहां उनके समर्थक तेज कर रहे हैं, तो वहीं पप्पू यादव भी एक ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं बिहार के सियासत में हमले का। विपक्ष की बात हो या फिर सत्ता पक्ष की बात हो, पप्पू यादव लगातार ही सवाल उठाते रहे हैं। पप्पू यादव लगातार ही हर चीज़ को लेकर, हर समस्या को लेकर सरकार को आईना दिखाते रहे हैं। पप्पू यादव, फिलहाल आपने देखा कि बिहार में बरसात के बाद अभी भी बरसात है, जिस प्रकार की स्थिति राजधानी पटना में हो जाती है बारिश के बाद से, अगर पप्पू यादव होते तो तस्वीर कुछ अलग निकल कर सामने आती। लेकिन पप्पू यादव जेल में होते हुए भी इन सभी मामलों पर सरकार के प्रति कटाक्ष करना नहीं भूलते हैं और सरकार को आईना दिखाना नहीं भूलते हैं, बताते हैं कि आखिर लोगों की समस्याएं कौन सुनेगा। लेकिन वही पप्पू यादव आज अपनी वेदना जाहिर कर रहे हैं, अपनी तकलीफ को सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि ईमान की बात करना आजकल सबसे बड़ा गुनाह है, ईमान की बात कीजिएगा तो लोगों से बिगाड़ का डर है, लेकिन अगर मैं भी दूसरों की तरह ईमान की बात करने से डर गया होता तो आज 80 दिन हो गए मैं जेल में नहीं रहा होता। और यही सारी बातें कहकर पप्पू यादव जो है लगातार अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका गुनाह क्या है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।